हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तो देखिए, एक वीडियो यहाँ पर अपलोड हो गई है जहाँ पर हमने अगर देखे तो मार्केट के जितने भी इंडेक्सेस है स्टॉक मार्केट में, वहाँ पर सब के रिलेटेड यहाँ पर बातें करी है। मार्केट में किस तरीके से यहाँ पर हल्की गिरावट आ सकती है, किस यूएस बेस पे यहाँ पर आज काम होता हुआ नजर आएगा, उससे रिलेटेड बातें करी है। IEX और टाटा पावर से रिलेटेड बातें करी है। तो जाके एक बार वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आपको चीजें यहाँ पर समझ में आ जाए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक शेयर से रिलेटेड, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है सुमितो केमिकल इंडिया लिमिटेड। ये एक शेयर है, करता क्या है उस चीज से रिलेटेड बातें करेंगे, जानेंगे शेयर से रिलेटेड। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा, इन्वेस्ट फॉर एवर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, जितना हो सके प्यार दीजिए। तो आइए वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुमितो केमिकल इंडिया लिमिटेड की अगर हम बात करें तो देखिए, ये एक जापान बेस्ड कंपनी है। इसके जो पेरेंटल है वो जापानीज है एज वेल एज बात करें इस कंपनी की, तो ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में लाइक एग्रोकेमिकल्स, एनिमल न्यूट्रिशंस, एनवायरमेंटल हेल्थ बिजनेस सेगमेंट में कंपनी काम करती हुई नजर आती है, और मोस्टली क्रॉप केयर लिमिटेड में कंपनी काम करती हुई नजर आती है। इसके अगर हम बात करें अफ्रीका जो में कॉन्टिनेंटल में एज वेल एज अलग अलग कॉन्टिनेंटल में अलग अलग कंट्रीज में ये कंपनी अपना काम करती हुई नजर आती है। इसके अलावा इस कंपनी से रिलेटेड बात करें तो यहाँ पर कंपनी अलग अलग सेगमेंट में यहाँ पर 75% तो डोमेस्टिक यहाँ पर रिवेन्यू आता हुआ दिखाई देता है। एज वेल एज उसमें भी अगर हम देखें तो इंसेक्टिसाइड से 51%, हर्बिसाइड से 19%, फंगीसाइड से 12%, प्लांट ग्रोथ रेगुलेशन से 11% और मेटल फॉस्फाइड से 7% का यहाँ पर बिजनेस होता हुआ दिखाई देता है ओवरऑल 100% में से। इसके अलावा कंपनी काफी बेहतरीन है और अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग टेक्नोलॉजी अलग अलग यहाँ पर इनकी सब्सिडरीज से मिलती हुई नजर आती है। कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर इनकी यूएस बेस्ड कंपनी से आती है, कुछ टेक्नोलॉजी यहाँ पर जापानीज कंपनी से आती है। तो एक बेहतरीन कंपनी ये नजर आती हुई दिखाई देती है। ये शेयर बताने के पीछे का रीजन क्या है, तो यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया जो कि एक साल का ब्रेकआउट यहाँ पर नजर आता है। तो इस रीजन से एक शेयर को बताया जा रहा है, एज वेल एज कुछ फंडामेंटल है जिसके बेसिस पे हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म का व्यू यहाँ पर देखेंगे। तो टेक्निकल के बेसिस पे यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें यहाँ पर शेयर अभी यहाँ पर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, और लॉन्ग टर्म के रीजन से हम देखेंगे अभी शेयर हमें खरीदना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें हमें यहाँ पर देखनी पड़ेगी। बट बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े तो इस पर्टिकुलर वेबसाइट पर जाके यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर पता चलेगी किस तरीके से ये कंपनी काम करती हुई नजर आती है। यहाँ पर बात करें तो कंपनी लगभग बहुत ज्यादा इनके डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा इनके प्रोडक्ट्स है, 190+ यहाँ पर प्रोडक्ट्स यहाँ पर यूज करते हैं, और सारे के सारे फार्मर ही यहाँ पर इनके प्रोडक्ट्स यूज करते हुए नजर आते हैं। बिजनेस प्रोडक्ट्स में यहाँ पर जाएंगे तो सब चीज यहाँ पर नजर आती हुई दिखाई देगी। तो इनके बिजनेस पे जाने हमने देख लिया है, अब बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स की। तो मार्केट कैप की बात करें 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो 23,000 करोड़ का मार्केट कैप का मतलब क्या है कि ये कंपनी एक मिड कैप कंपनी है। स्टॉक पी की बात करें 53 का है, इंडस्ट्री का पी 26 का है। तो कहीं ना कहीं शेयर यहाँ पर क्या नजर आता है, महंगा नजर आता है। बट ऐसे शेयर जिसमें 33% और 25% का ROCE और ROE और रेस्पेक्टिवली, ऐसे शेयर बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे शेयर पे हमें हमेशा नजर रखनी चाहिए, अपने वॉच लिस्ट में रखना चाहिए कि कभी भी अगर हमें ऐसे शेयर मिले लो कम प्राइस पे, तो ऐसे शेयर को लॉन्ग टर्म के पर्पज से हम यहाँ पर खरीद सकते हैं। डेट की बात करें, डेट फ्री शेयर है, तो ये सारे के सारे पॉजिटिव फैक्टर है। पीजी रेशियो की बात करें थोड़ा सा महंगा नजर आता है, और सेल्स ग्रोथ की बात करें पिछले 5 साल की तो 30% से बड़ी है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। प्रॉफिट की बात करें 47% से बड़ा है 5 साल में, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है। और 10 का यहाँ पर फेस वैल्यू है, तो कहीं ना कहीं शेयर हर पैरामीटर पे अच्छा नजर आता है, कहीं भी किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करें 2020 में लिस्ट हुआ था, 168 से शेयर लगभग 500 रुपए पे यह जा चुका है, और लगातार तेजी बनी हुई है, यहाँ पर कंसोलिडेशन है तेजी। दूसरे शेयर की बात करें तो उसमें गिरावट आ चुकी है, बट ये शेयर यहाँ पर लगातार भागता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या हमें ये शेयर लॉन्ग टर्म के पर्पज से अभी खरीदना चाहिए, और क्या हमें ये शेयर इंटरडे के पर्पज से खरीदना चाहिए, वो सारे सवालों का जवाब मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको देने वाला हूँ। यहाँ पर CAGR की बात करें 47% का CAGR है पिछले 5 साल में। दिस इज द पॉजिटिव फैक्टर, दिस इज द पॉजिटिव पॉइंट्स इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक्स, तो इस चीज को भी आपको ध्यान देना है। सेल्स की बात करें, कंपनी की सेल्स लगातार यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई थी, बट सितंबर के बाद यहाँ पर सेल्स लगातार गिरती हुई नजर आ रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है इस शेयर के लिए।
यहाँ पर मार्जिन की बात करें, मार्जिन लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नेट प्रॉफिट की बात करें, वो लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 क्वार्टर से, ये नेगेटिव बात है। तो पिछले 6 महीने की बात करूं तो यहाँ पर कंपनी नेगेटिव परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि अभी तो ईयरली बेसिस पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ज्यादा है, तो इस वजह से शेयर यहाँ पर ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। बट अगली बार के मार्जिन जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंडिचर्स और जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर यहाँ पर मार्जिन के बेसिस पे नीचे आ सकता है। तो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म के पर्पज से ये शेयर अभी खरीदने वाला नहीं बनता हुआ नजर आता है। तो लॉन्ग टर्म का कब मतलब क्या है कि लॉन्ग टर्म का मतलब है कम प्राइस पे लेके थोड़ा सा अच्छा शेयर, शेयर अच्छा है नो डाउट। क्यों? यहाँ पर देखेंगे ईयरली बेसिस पे ग्रोथ, एक बेहतरीन ग्रोथ है, नेट प्रॉफिट की एक अच्छा खासा ग्रोथ है, तो हर चीज पे अच्छा खासा है। बस शेयर अभी लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के व्यू से, ये मुझे अभी यहाँ पर भाता नहीं है। ओके, तो इसलिए लॉन्ग टर्म के व्यू से यहाँ पर शेयर को रिजेक्ट किया जाता है। बट शेयर को बता रहा हूँ तो क्यों बता रहा हूँ, इसे बता रहा हूँ इंट्राडे के बेसिस पे शेयर यहाँ पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकता है। रिजर्व्स की बात करें, अच्छे खासे रिजर्व्स है, 1500 करोड़ के आसपास के। बोरिंग यहाँ पर थोड़ी सी है, ना के बराबर। वर्किंग प्रोग्रेस में यहाँ पर पैसे खर्च कर रखे 35 करोड़, इन्वेस्टमेंट 357 करोड़, और कैश की बात करें 79 करोड़ का कैश भी यहाँ पर रखा हुआ है, और प्रमोटर के पास 75% के शेयर है, ये पॉजिटिव फैक्टर है। FIs के पास 1.69% के लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है, DIs ने लगातार हिस्सेदारी बढ़ाई है, और पब्लिक की हिस्सेदारी लगातार कम हो रही है, ये एक नेगेटिव पॉइंट नजर आता है। रिटेल पब्लिक के लिए बट पॉजिटिव दिखाई देता है यहाँ पर लॉन्ग टर्म के पर्पज से, तो इस शेयर को यहाँ पर ध्यान में दीजिएगा। अब बात करते हैं शेयर, देखिए यहाँ पर कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बेसिस पे इसने पहले ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट ऊपर जाके यहाँ पर नीचे आया, अगेन यहाँ पर ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया है, 1 साल का यहाँ पर ब्रेकआउट है। तो इस केसेस में क्या हो सकता है, तो कल भी तेजी हो सकती है, या तो ये शेयर दोबारा ऊपर जाके नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है, या यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो याद रखिए बाइंग कर सकते हैं विद मल्टीपल कंफर्मेशन। कंफर्मेशन कैसे करते हैं, मैंने आपको बता दिया, कुछ ऐसी कैंडल बन रही हो जिसके बेसिस पे हम शेयर ले सके, तो यहाँ पर आप ले सकते हैं, और उस केसेस में केवल इंट्राडे यहाँ पर करिएगा। और अगर कल खरीदने की सोच रहे हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर 158 के नीचे रखिएगा, 1-2 रुपए। तो यहाँ पर चीजें स्टॉप लॉस या अगर बात करें, सपोर्ट भी सामने नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस भी सामने नजर आ रहा है, तो ये दोनों पॉइंट के बीच में चीजें घूमती हुई या तो नीचे या फिर ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होती हुई नजर आ सकती है, तो इसे हमें ध्यान में रखना है। लॉन्ग टर्म के विजन से हमें शेयर को नहीं खरीदना है, अगेन बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि शेयर ऊपर जाके फंसा सकता है, और यहाँ पर लोअर लोस बन लोअर हाईज बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, यहाँ पर हाई बनाया फिर यहाँ पर कहीं हाई बना के, ओके, फिर यहाँ पर हाई बना के इस तरीके से काम करके शेयर नीचे आ सकता है, और शेयर ये नीचे आ जाए, ओके, 100-150 रुपए नीचे आ जाए, बाय ऑन डिप्स करने की रणनीति बनाइएगा, और उस केसेस में शेयर यहाँ पर अच्छा खासा भागता हुआ नजर आएगा। लगभग लगभग इस शेयर की बात करूं तो ये शेयर 2 से 3 क्वार्टर मुझे नहीं लगता यहाँ पर हिलने वाला है, ओके, उसके बाद यहाँ पर अगर भागता है ऑपरेटर भगाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, अगर गिरता है तो याद रखिएगा एक अपॉर्चुनिटी बनेगी ऐसे शेयर में जहां पर परफॉर्मेंस बेहतरीन नजर आता है, और उस केसेस में आप लॉन्ग टर्म के व्यू अगर रखेंगे तो ये शेयर 1000 रुपए तक जाने की पूरी उम्मीद है कि 1000 रुपए को भी ये वो आने वाले टाइम में टच कर सकता है। लॉन्ग टर्म के व्यू से अच्छा है बट नीचे आ जाए, और इंट्राडे पर्पस से यहाँ पर शेयर को आप विद स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जब चीजें ऊपर चले जाए तो ट्रेल करके स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो क्या हमें खरीदना चाहिए इंट्राडे के पर्पज से? हाँ, लॉन्ग टर्म के पर्पज से ना, तो ये सारी की सारी बातें आप अपने माइंड में रखिएगा। तो शेयर को बाइंग और सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा हमारे चैनल को ताकि इस तरीके की वीडियो डेली बेसिस पे मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।